मुन्ना जी रे कहां से आते हैं ये? रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। हो गया। स्टैंडर्ड नाव वाला हूँ तो अभी सनग्लास पहन लेने का। क्यों? गाइस हम लोग फिर से चला है नदी के पार में। डीबीसी का जो कैनल हम लोग का है तो वहाँ पर अक्सर हम लोग आया करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज भी चला है, कल भी आए थे तो कल ब्लॉग नहीं बनाया, कल रोहित नहीं था, मेरा साथ प्रताप था तो थोड़ा रील्स बनाने के लिए आए थे तो आज आ गए हैं। तो एक नाव दिख रहा है उधर, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा सैर करेंगे। चलो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा सैर करेंगे। चलो कौन है ये लोग, देखते हैं क्या होता है। अभी रोहित वहाँ पर जाएगा तो उसको अभी नाव पे मैं चराने वाला हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। देखता हूँ उसको ढके। स्विमिंग नहीं आता है, पहले ये बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा कोड़े जाए तो अभी जा रहे हैं हम लोग का टाइटैनिक जहाज पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या फोन था उसमें थोड़ी होगा हैं? रनिंग नहीं है शायद नाव का, तो कंडीशन तो मुझे सही नहीं लग रहा है। नाव का कंडीशन सही नहीं है, रनिंग नाव नहीं है लग रहा है, कोई छोड़ के भाग गया होगा। जा उड़ के जा। तो अभी रोहित यहाँ बैठ चुका है, ठीक है। तो मैं अभी उसको धक्का लगा दूंगा, देखेंगे मैं अभी उसको धक्का लगा दूंगा तो अभी बीच नदी में वो चला जाएगा। बीच नदी में वो चला जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। এটা দিয়ে হ্যাঁ এখানে এখানে প্রেস কর। এটা দড়ি দড়ি আছে, আমি টেনে নেবো। এটা তো ইধার সে রস্সি বাঁধা হুয়া হ্যাঁ, ইস পেড় পে বাঁধা হুয়া রস্সি। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो अभी जिसका नाव है, किसका नाव है तो मालूम तो है नहीं, यहाँ पर रखा था, लगा हुआ था यहाँ नदी के किनारे। तो अभी रोहित आके वो चर गया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो नाव इधर फिलहाल तो बांधा हुआ है यहाँ रस्सी से, यहाँ पर लॉक किया हुआ है। बट जब मैं सोच रहा हूँ कि जिसका नाव है वो अगर आ गया तो भी नहीं बोलेगा। नहीं नहीं तो रोहित का खैर नहीं, क्योंकि तो मालूम भी नहीं कि इसका नाव यहाँ रखा हुआ था, वो चर बैठा है। खुला था जिदे से बॉके যা আমি রাস্তি খোল দিয়ে দইটা ধর এখানে, না আমার হাতে দে না তুই টানতে পারবি না। तो अभी मैंने रस्सी खोल दिया है नाव का, ठीक है। तो अभी चला जा रहा है वहाँ पर, वापस नहीं आ पाएगा तो वहीं पर रह जाना, ठीक है। तो
अभी रोहित चला गया, कितना दूर पे चला गया, उसको मिला है तो हमें उसको डर भी नहीं है। देखो छोटा सा एक डंडा है तो उसी डंडा को क्या बोलता है उसको, अबे वो जो डंडा चलाता है उसको क्या बोलते हैं जो नाव में चलाते हैं हमको मैम, अबे वो जो डंडा चलाता है उसको क्या बोलते हैं जो नाव में चलाते हैं हमको मैम, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, दाँड बंगाली में दाँड मुझे मालूम नहीं है कहाँ से आते हैं, वो बोल रहा है दाँड। तो अभी बंदा चला गया है उधर। अरे भाई साहब मैं तो प्रोफेशनल हो गया मुन्ना जी रे, मजा आया बोलना को थाए मुन्ना जी रे, आई फिर आए आई फिर आए। तो अभी आ गया है रोहित किनारे पे, तो अभी मैं जाने वाला हूँ। रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। हो गया, चलो मेरा एक्सपीरियंस खत्म, अब जाएगा कुरैसी। तो आज गिर नहीं, तो मैं स्टैंडर्ड नाव वाला हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड नाव वाला हूँ। अच्छा, तो अभी सनग्लास पहन लेने का, क्योंकि सूरज मामू बहुत दिख रहा, आज दिख रहे हैं बहुत गुस्से में है, तो थोड़ा आज सूरज का किरण भी ज़्यादा है, थोड़ा सांस भी ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ ड्राइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ड्राइव करने के लिए। ভিজে যাওয়ার মতন কিছু নেই তো, জল ঢুকছে আপু, পিছোস না তুই সামনে এগো, সামনে এগো, তুই একটু ওয়েট লাগ রহা জ্যাদা হো গিয়া হ্যায়, তুই সামনে এগো, হালকা সামনে এগো, পিছোস না সামনে এগো, সামনে এগো, আর একটু এগো, পিছনে জল ঢুকে যাচ্ছে, ও পিছনে জল ঢুকে যাচ্ছে, কেসে কেসে লোক রেতে ইয়ার ইয়াহ পর। আরে छोटा छोटा दो मछली भी देखो तैर रहा है, ये तो अंदर काफी पानी भी आ चुका है तेरे बैठने से। तो नहीं नहीं अंदर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर उसका बैठने से यहाँ पर मछली आ गया। नहीं नहीं यहाँ ऑलरेडी पहले से ही पानी यहाँ अंदर घुसा हुआ है, लगता है कहीं छेद उद है, मैंने छेद नहीं किया। मैंने छेद नहीं किया। समझ रहे हो। तो अभी उठने का बारी है, ठीक से उठना पड़ेगा वरना थोड़ा उठना पड़ेगा वरना वो खुद ऊपर चला जाएगा। 19-20 होगा तो पूरा ड्रेस वगैरह खराब हो जाएगा। अरे इसको पहले गाड़ना पड़ेगा क्या, उस साइड से, उस साइड को, उस साइड को, उस साइड को गाड़ना पड़ेगा। लो हो गया, इसको क्या, इसको सपोर्ट में रख के उठना पड़ेगा। लास्ट में आकर नाव डूब।
तेरी। चलो अब ठीक है, आस्ते आस्ते आ जाओ। हाँ चलो इसको बांध देते हैं, नहीं तो जैसे लिया था वैसे रख देते। हाँ बड़े हरामी हो बेटा। बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो मस्त लगा, लेकिन क्या हुआ पानी थोड़ा कम था, यही वजह से थोड़ा नाव चलाने में आसानी हुआ, वरना अगर पानी ज़्यादा होता तो जो डंडा था वो नीचे तक जाता नहीं, तो मेरा नाव घूमता नहीं, तो हम बीच में ही फंसे रह जाते हैं। पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। आज के दिन तब नदी में तैरते रहते हैं, चले जाते हैं इधर से बाइची हावड़ा कलकत्ता पहुँच जाते हैं। हावड़ा कलकत्ता पहुँच जाते अगर यहाँ पे पानी ज्यादा होता पहले मैं तो नहीं उतरता। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो अभी नाव पर चढ़ के मैं और रोहित दोनों ही आ गया, तो काफी अच्छा लगा क्योंकि जो हमने कहा कल ना हावड़ा में क्या होता, हम लोग जो लॉन्च में हम लोग पार किए हैं वो तो उसके एक्सपीरियंस अलग है, बट इसमें अलग एक्सपीरियंस है, मजा भी आया ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बस बीच में ही पलटी हो जाएगा, बीच में ही पलटी हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें बैलेंस की भी बहुत जरूरत होता है। 2000 years later. गाइस और एक काम बचा हुआ, आप लोगों को जो करना है वो क्या करना है, लाइक करना, आज का ब्लॉग कैसा लगा, रोहित का नाव चलाना और मेरा नाव पे चढ़ना चलाना कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से हम लोग का मोटिवेशन मिलता, अच्छा भी लगता है और भी वीडियो बनाने का मन में क्या बोलता है उत्साह जागता, अनुप्रेरणा जगता है, अनुप्रेरणा मोटिवेशन मिलता है। अरे इंग्लिश में बोलो नहीं यार, बंगाली हो तो एकदम गोदा बंगला में बोलता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अनुप्रेरणा मुझे मालूम है बट मुंह में नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। इसी तरह क्या बोला था, लाइक शेयर कमेंट तू बोलना। तो आप लोग लाइक करना और कमेंट करना, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। यहाँ देख के बोल, यहाँ देख, ये वाला तू बोलेगा बस। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ बच्चे का चैनल है, थोड़ा सा मेहरबानी थोड़ा सा मेहरबानी कर दो, मेहरबानी कुर्बानी।